नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि विराट कोहली की जगह शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल सकते हैं। ऐसे में पहले टेस्ट मैच में अगर मौका उन्हें नहीं मिलता है तो दर्शक शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए जरूर देखेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि भारत के इस युवा बल्लेबाज को टेस्ट डेब्यू करने का मौका इस बार ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर मिलने जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये भी माना जा रहा है कि पृथ्वी शॉ या फिर शुभमन गिल में से किसी एक को एडिलेड टेस्ट में मौका मिलेगा। दोनों जगह चांसेज है। अब ये टीम मैनेजमेंट और कप्तान पर निर्भर करेगा कि शुभमन गिल को वो मौका कब देना चाहते हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड दौरे पर भी शुभमन गिल को लेकर खबरें आती रही कि उन्हें मौका मिल सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। कप्तान विराट कोहली ने मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ की जोड़ीदार से ओपनिंग करवाया और दोनों ही न्यूजीलैंड दौरे पर फ्लॉप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच में भी शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ का बल्ला नहीं चला। ऐसे में हर कोई असमंजस में है कि आखिर कौन होगा मयंक अग्रवाल के साथ दूसरा ओपनर। साथ ही विराट कोहली के जाने के बाद उनकी जगह कौन लेने वाला है। आपको बता दें, अभी तक शुभमन गिल ने 22 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। लगभग में 70 के शानदार एवरेज से 2162 रन बनाए हैं। इस दौरान शुभमन गिल ने 7 शतक और 10 अर्धशतक भी लगाए हैं। शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 268 रनों का रहा। इस प्रदर्शन के बाद भी उन्हें लगभग एक साल से डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड ओवल में 17 दिसंबर से खेला जाना है। ये मैच डे नाइट टेस्ट मैच होगा जो कि पिंक बॉल से खेला जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।